その車輪がお前はどこまで見えている。 Hey guys, welcome back to my channel. मैं फिर से आज हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं नरूटो सीरीज के ऊपर, वो भी हिंदी में। अभी तो आप सभी को तो पता ही होगा नरूटो हिंदी में शुरू हो गई है। मैंने इसके एपिसोड 1 पे रिएक्ट किया था पर वो सारी फाइल ही करप्ट हो गई है। मैं उसे एडिट करने गया पूरी ब्लैक स्क्रीन थी, फिर अब सीधे एपिसोड 2 पे रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने उसमें बहुत से नई नई कोई सुनी थी नरूटो की और सभी करेक्टर की। अब दोबारा से सुनो बच्चे, तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी ऐसी फोटो खींचूं? अरे हाँ यार, क्या देख रहे हो, जल्दी खींचो, चलो। एपिसोड 2 ही है ना। हाँ, बाद में कोई कंप्लेन मत करना, बोलो चीज चीज। मेरा नाम है कोनोहामारु। क्या फोटो थी ये? नहीं लेंगे इस फोटो को, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा आपको पता है पहले मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। सच कहूं तो मुझे पूरे 3 घंटे लग गए इसके लिए, लेकिन आखिरकार कर दिखाया। लगता है ना किसी आर्ट प्रोजेक्ट जैसा, पर ज्यादा कूल है। दोबारा खिंचवाओ इसे। बिल्कुल नहीं। ट्रांसफॉर्म। मैं कैसी लगी नाथुगागे? ब्लड को ग्रीन कर दिया यार। नहीं पर कहीं मैंने देखा यार, रेड ही था इस जगह पर। वो शायद क्लिप्स में देखा होगा कहीं। कोनोहामारु की बात कैसी? क्यूट जुत्सु था। हमारा हेडबैंड कहाँ है नरूटो? क्यूट जुत्सु बना दिया। तुम्हें उसे पहन के रखना चाहिए। मैं उसे अपने ओरिएंटेशन से पहले नहीं पहनूंगा। मैं उसे गंदा नहीं करना चाहता। तो तुम उसे गंदा नहीं करना चाहते, जबकि तुम्हारी फोटो जो तुम्हारी पहचान होगी उसमें तुम कार्टून जैसे दिख सकते हो। ये निंजा ट्रेनिंग और मिशंस के लिए है जो कि तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी है। खुद ही कार्टून है ये। इस फोटो को देख अभी बताइए। अरे दद्दू, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। अरे यार, बहुत बढ़िया सीन आने वाला है यहां पे। मेरा पोता, दूसरा सरदर्द। पोता पोता। किसी ने मुझे गिराया। बढ़िया करेक्टर था ये। कौन है ये बेवकूफ? ये तो वही है। नाइन टेल्ड फॉक्स, बिल्कुल सबसे ज्यादा मुसीबत करने वाला। शुरुआत में लगा था पर बाद में बढ़िया। अच्छा, तो वो तुम ही थे ना जिसने मुझे गिराया? तुम अपने आप ही गिरे और समझे? ए तुम गया ना, जैसे बाकी रुक जाते हैं। डरते भाई हो। जब इसे पता चल ही गया, मुझे लगा तुम मुझे मारोगे। टफ गाय थर्ड ओकागे मेरे ग्रैंडफादर है, ये जानकर डर गए क्या? मुझे परवाह नहीं, चाहे वो तुम्हारी दादी क्यों ना हो। आई बात समझ में? बिलियत से मैं जल्द और आसानी से तुम्हें ऊंचाइयों पे पहुंचा दूंगा। तो मेरे पास हमेशा गायब हो जाएगा ना। मेरी बात समझ आई तुम्हें, महान ग्रैंडसन? ऐसे नरूटो उसे कुछ गलत तो नहीं सिखाएगा या फिर? सिखाएगा, जरूर सिखाएगा। मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तो सामने आ जाओ नौटंकी। खुद ही डिसाइड कर लिया। तुम मुझे वो क्यों जुत्सु बन के दिखाओगे जो तुमने दद्दू को बनकर दिखाया था? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो है ना? नहीं, मुझे नया ट्रेनर चाहिए, प्लीज बॉस। बॉस बॉस। खैर, कैसे मना कर सकता हूँ? बॉस तो बोल दिया। तुम्हें तुम्हारे कैटरा को कंट्रोल करना आना चाहिए। विश्वास करो, बिलीव इट। कहा कैटरा? रास्ते पर विश्वास करो, बढ़िया है। नहीं, विश्वास। मैंने कहा तुम्हारा कैटरा। बॉस, लगता है आप कहना चाहते हैं चक्र। ज्यादा स्मार्ट मत बनो टिड्डे, असली निंजा कहते हैं कैटरा। सच में? वो देखो, तुम उस लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। ये आसान है, समझ गया बॉस? डरा लग रहा हूँ? बिल्कुल 100% बिल्कुल उसी की तरह लग रही है। मैं तुम्हें ऐसे दिखती हूँ? अब सुनिए महान ग्रैंडसन, अगली बार गिरा। अच्छा, नरूटो कोई बड़ी तो और क्यूट बनना, ठीक है? बाय। जो हुआ उसे भूल जाओ। ये तो बदला। हमेशा नरूटो के पड़ी होगी। पिटाई क्यों होती है? माफ करना। तुम बॉस हो ना, बॉस को सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि मैं होकागे का ग्रैंडसन हूँ। विश्वास करो, तुम्हें बस थोड़ी और प्रैक्टिस करनी होगी। बिलीव इट। तत्ते भाइयों। प्रैक्टिस। ठीक है यार बॉस। ट्रांसफॉर्म। कैसा लग रहा हूँ?
बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा। ये कैसी है? मुझे अच्छा लगता था शुरुआत में, पहले रूटो को पसंद नहीं करता था, मैं इंटेल की वजह से धीरे धीरे कर पड़ता हूँ। स्टूडेंट को बिगाड़ेगा उसे मैं मसल दूंगा, मसल के रख दूंगा। तुम्हारी ब्रांड वाला के साथ तुम्हारी क्या टशन है? मेरे दद्दू ने मेरा नाम कोना हामरू रखा, पर मुझे कोई भी उस नाम से नहीं बुलाता, पूरे गांव में कोई भी नहीं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जैसे मैं हूँ ही नहीं। सबको पता है कि मैं महान होकागे का ग्रैंडसन हूँ, मेरी खुद की पहचान बनाई है। मुझसे अब मुझे होकागे बनना है ताकि सबको पता चले मैं कौन हूँ। डर है उसके सपने पूरे नहीं होंगे, लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं। नाइन-टेल्ड फॉक्स उसके अंदर ही है, ये हर बच्चे उस दरिंदे और नरूटो के बीच के कनेक्शन को नहीं जानते जिसने हमारे गांव पर हमला करके उसे बर्बाद करने की कोशिश की। जब तक बच्चे इस बात से बेखबर है, उम्मीद है यही फोर्थ होकागे की इच्छा थी कि नरूटो को बड़ा होकर एक हीरो के रूप में जाना जाए। मजबूर कर देती है। महान फोर्थ होकागे ने उस फॉक्स को हरा कर हाल ही में पैदा हुए एक मासूम बच्चे के शरीर में कैद कर दिया। कुछ लोगों को नरूटो ही दरिंदा लगता है और उनके दिलों की नफरत और डर की वजह से उनके बच्चे भी नरूटो को पसंद नहीं करते। नहीं करते। हीरो का डीप बातें कर गया होकागे अपना। तुम्हें ढूंढ लिया महान ग्रैंडसन, अब घर चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं अपने दद्दू को हराने का तरीका ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं बन सकूं होकागे। अब चले जाओ यहाँ से। एक होकागे फाइटर से बढ़ के होता है, उसे अच्छाई, सम्मान, समझदारी और हाँ हजारों जुत्सु आने चाहिए। तुम्हें तो एक भी जुत्सु नहीं आता। आता है अभी देख। हाँ? नहीं है। क्या? ये किस तरह की घटिया टेक्निक है? इस तरह नरूटो तुम्हें बस यही सब सिखा सकता है। सिर्फ मेरी स्पेशल ट्रेनिंग से तुम जल्दी और महान होकागे बन सकते हो। मुझे अकेला छोड़ दो। शैडो क्लोन जुत्सु। देखो कैसे एक असली निंजा नौसिखिए को हराता है। फोर्थ होकागे सब कुछ देख रहा है। मारा मेरे हरम जुत्सु से। हरम जुत्सु यार, उसने शैडो क्लोनिंग को अपनी बनाई क्यूट जुत्सु से मिला दिया। मैं हर बार गड़बड़ कर देता हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर पाता? कर लोगे यार, लगता है ये इतना आसान है। होकागे बनने के लिए तुम्हें सबसे अच्छा निंजा बनना होगा, तुम्हें खुद को साबित करना होगा ताकि सब तुम्हें माने। तुम इसके लिए तैयार रहोगे? किसके लिए? हीरो का सेंसन। निंजा बनने के लिए ढेर सारा पसीना और आंसू बहाने के लिए। बस बहुत हुआ, आज से तुम मेरे कोई बॉस वॉस नहीं हो। एक दिन देख लेना, मैं तुम्हें हरा दूंगा। ताहूं किसी दिन हम होकागे के टाइटल के लिए जरूर लड़ेंगे। क्या फाइट थी यार वो भी ना, जब ये लड़े थे होकागे के टाइटल के लिए। इसके दोस्त कहाँ यार? आखिरकार वो निंजा बनने की असली राह पर चल ही दिया है। चल दिया है, बन जाएगा। एपिसोड के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जब इनकी टीमें बन रही, और सास्के, हमें सास्के की आवाज भी सुनने को मिलेगी। अभी तक हमें सास्के की तरफ से एक डायलॉग नहीं था, इस एपिसोड एक में मिले नहीं था। और इस एपिसोड में मुझे सबसे अच्छी वॉइस लगी अपनी कोना हामरू की, पूरी उसकी एज के साथ मैच हो रही है। और अगले एपिसोड में देखेंगे और किन किन की वॉइस ओवर कैसा है। चलो तो गाइस, आपको मिलता हूँ मैं किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।